दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। ओके, तो आपको क्या करना है? ओके, सुमन ने नहीं ली थी। ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना फिर उसकी। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने डाला है, प्लीज इसको सॉल्व करो, फिर मैं कराती हूँ। समझ रहे हो ना कहाँ से स्टार्ट किया है? ए से आपको शुरू होना है और जे तक आपको बताना है ना? और यहाँ पे 11th वाला भी यूज हो रहा होगा, कुछ कुछ रिएक्शंस, और 12th की भी हो रही होंगी। बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन होता है। करो इसको सॉल्व करो। प्रिंस आ गया, हुसनवाज, पीयूष, हुसनवाज है, हुसनवाज शिखा आ गई। ठीक है, अच्छा गुड इवनिंग करा हुआ था तुम लोगों ने। ठीक है, दक्ष भी आ गया। अच्छा ओके ओके ओके, आयुष भी कुछ। ठीक, आ रहा है कुछ समझ में? ऊपर से जा रहा है? प्लीज टेल मी, अदरवाइज फिर मैं ही करा देती हूँ। थोड़ा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा, मुस्कान, अभिषेक, यस मैम। थोड़ा थोड़ा, यस मैम। दक्ष, किशोर, हुस्नवाज, देखो जो अपना जो फर्स्ट वाला है, अगर तुम लोग देख पा रहे हो, जो ये एल्काइन बेसिकली दिया हुआ है, इसमें मरकरी वाला रिएजेंट डाला हुआ है, तो बेसिकली ये तुम्हारा 11th का जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है वहां से है। कुशरोव रिएक्शन, अगर तुम लोगों ने सुना हो, कुशरोव रिएक्शन का नाम सुना है क्या जिस लोगों ने? तो बेसिकली वो है। हो सकता है नहीं सुना हो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा मेन ये था कि तुम्हें पता रहे कि हाँ ये रिएक्शन है जो हमें पढ़नी है। कुछ रोव रिएक्शन बोलते हैं, कुछ रोव बोल दो, कुछ रोव बोल दो। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म होता है ना, थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है अपना ऑक्सीमर्क्यूरेशन जैसा। ठीक है, मैंने ये रिवीजन असेसमेंट, रिवीजन क्लास में भी करवाया था ऐसा क्वेश्चन। तो मैं आपको ए बता देती हूँ क्या बनेगा। देखो अपने पास क्या है मेरा बेटा, अपने पास ये है। ठीक है, तो बेसिकली जब इसमें आप, हो सकता है एग्जामिनर आपको मर्क्यूरी सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड लिख के दे और वाटर लिख के दे, तो आपको क्या करना होता है, इसमें वाटर होता है ना, वाटर होता है, तो इसमें एच और ओ एच आते हैं। ठीक है, और ओ एच कहाँ आता है? मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग आता है। गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझाने के लिए, हालांकि यहाँ पे कोई कार्बोकैटायन वगैरह नहीं बन रहा है, तो आपको कहाँ लगाना है, ओ एच कहाँ लगाना है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे, दैट इज इन दिस पोजिशन। तो फिनाइल के साथ कार्बन, इसके ऊपर एक ओ एच है, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे CH2 है। अब ये क्या बन गई, अपनी इनोल फॉर्म बन गई है, बट इससे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी हमारे पास, कीटो फॉर्म होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म नाम का एक टॉपिक पढ़ा जाता है आइसोमेरिज्म वाले, उसमें। तो बस आपको क्या करना है, कीटो फॉर्म इसकी बना देनी है। तो ये तुम्हारा क्या बन गया बच्चों, ए बन गया। समझ रहे हो, दिस इज योर ए। नाउ यू हैव योर ए वाला पार्ट। अब तुम उसमें ये सारे रिएजेंट्स, पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, बी बनाओ, फिर एसिड करके हीटिंग कराओ, सी बनाओ, फिर HBr परोक्साइड डाल के डी बनाओ। ऐसे करके ना स्टेप वाइज करते जाओ, एंड देन मुझे बताते जाना जिसका थोड़ा बहुत भी हो जाएगा। ठीक है, चलो करो इसको।
उसने बस तुम अभी क्लास में नहीं थे क्या? तुमने मेरी बात नहीं सुनी शायद। ठीक है तो बच्चों कौन बताएगा मुझे? ए तो तुम्हारे पास ये बन गया एसीटोफिनोन, कॉमन नेम है इसका। इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे तो क्या नाम है अभिषेक? बी क्या बनेगा मैम? पीएच और सी के साथ मैम ओएच जुड़ जाएगा और सी एच थ्री। शाबाश, क्लियर है ना सबको? ये बिल्कुल सही बोला है ना? आपके पास क्या होगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कीटोन को रिड्यूस कर देगा सेकेंडरी अल्कोहल में। ठीक है, उसके बाद मुस्कान बताएगी क्या सी क्या बनना चाहिए हमारा? मुस्कान मैम इसमें एल्कीन तो है नहीं, तो मैम इसमें एंटी मार्कोनिक रूप कैसे फॉलो करूं? ना 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 ना, तो बनाओ ना एल्कीन, बी से सी में जाना है ना आपको। यस सी बनाओ ना मैम, मैं सी से डी में जा रही थी, सॉरी। हे भगवान, कोमल क्या बनेगा सी? मैम यहाँ पे OH हट के एल्कीन बन जाएगी। यस ऐसे बोलो, ये बन जाएगा मैम। ठीक है मैम, मैंने बी से सी वाला पार्ट देखा ही नहीं, मैं सीधा डी से सी से डी में पहुंच गई। ये तो दिक्कत है, तुम लोग देखते ही नहीं हो, आंखें बंद कर लेते हो पता नहीं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल होगा, पानी निकल के आपका एल्कीन बन जाएगा, है ना? अब डी कौन बताएगा? हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए, व्हाट वुड बी द डी? डी क्या होगा? प्लीज रेज योर हैंड। तीन बच्चों ने हैंड रेज किया है, बाकी वेरी गुड मुस्कान और एंजल, अंशिका जी, आयुष जी, दक्ष, डिंपल, हुस्नवाज, परिधि, बताओ भाई कम है बच्चे बहुत ज्यादा। पीयूष आप बताइए। मैम बीआर वो जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उधर लग जाएगा। ओके, तो ये तुम बोल रहे हो। ठीक है चलो, ई क्या बनेगा? ई ई क्या बनेगा शिखा? अरे बोल दो, जल्दी जल्दी बोलो, पता चले आज का फिर हो नहीं पाता जितना मैं सोचती हूँ। ई क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा क्या? क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, है ना? अब तुम देखो इधर आओ, तुम्हें F से तुम्हें तुम्हारे पास E आ गया। Now you have to tell me what would be the F. F वाला क्या होगा कि उसमें मैं NaBH4 डालू तो मुझे E ही मिल जाए। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, F क्या होना चाहिए कि मुझे E मिल जाए NaBH4 डालकर? सोचो किससे बनेगा ये प्राइमरी अल्कोहल? क्या लू मैं F? कौन बताएगा? सोचो, कॉन्फिडेंस रखो, बोलो। गलत ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा। हाँ, और कोई मुस्कान के अलावा? NaBH4 का फंक्शन ही याद करके आए क्या? मैंने आप लोगों को कल याद करवा के भेजा था भाई। डबल बॉन्ड आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा? दोनों CH2 के बीच में ना। NaBH4 एल्कीन को कब से रिड्यूस करने लग गया? मैम एल्डिहाइड होगा। हाँ एल्डिहाइड बनेगा, ये देखो ये वाला बनेगा, इधर देखो। मैम इसमें ऑक्सीमर्क्यूटेशन नहीं होगी? क्यों होगा मेरा बेटा, NaBH4 डाला ना, वो कहा मर्क्यूरिक एसिटेट कहाँ डाला हुआ है? अच्छा यस, है ना, सिंपल सोडियम बोरोहाइड्राइड डाला हुआ है, तो ये तो एल्डिहाइड ही होगा। ये देखो फिनाइल CH2CHO। भाई पढ़ लिया करो भाई, ऐसे चुप बैठते हो क्लास के अंदर, कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग, बिल्कुल मजा नहीं आता मेरे को ऑर्गेनिक करवाने का। फिर इतने अच्छे सब्जेक्ट की तुमने बैंड बजा रखी है। ठीक है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? और F, और इन्होंने क्या कहा है कि F इज अ फंक्शनल आइसोमर ऑफ A, बात तो ठीक है ना,
ए हमारे पास कीटोन है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, तो हो गए ना आपस में फंक्शनलाइज होगा, ठीक है। चलो अब क्या बनाना है तुम्हें, एफ में तुमने डाला फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो देखो क्या बनेगा, लगाओ दिमाग। इजी इजी क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता कभी भी, क्वेश्चन तो इसी टाइप के ही आएंगे पेपर में। हाँ आई नो ये नहीं आएगा, इतना बड़ा नहीं पूछेंगे वो तुम लोगों से। ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो करा दिया भाई, हैंड रेस कीजिए अपना। आयुष, दक्ष, डिंपल, हुस्नवाज, कोमल, कहाँ हो तुम लोग, सना, शगुन, शगुन भी आ गया आज तो। ये अटैक करेगा भाई, बहुत बुरा हाल है तुम लोगों का। तो क्या बनेगा, पीएच सी एच टू सी ओ एच एच पी एच, बोलो हाँ के ना। यस मैम, ठीक है। चलो अभी यस निकल के आया, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या डाला, थोरियम ऑक्साइड। ये थोरियम ऑक्साइड क्या करता है, एलिमिनेशन करता है। अभी मैं यहाँ पे और रिएजेंट्स बताऊंगी तुम लोगों को। तो यहाँ पे क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, वॉटर बन के निकलेगा, तो बेसिकली ये एल्कीन मिल जाएगी तुम्हें, ये वाली, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब आपको रिएजेंट पता होना चाहिए, ये भी वैसे 11th में ही आता है, बट मैं आपको आज बता दूंगी दोबारा, ठीक है, समझ गए। बन गए अपने H तक बन गए। नाउ डाइल्यूट KMnO4 डाला है, तो ये क्या होता है, डाइल्यूट कोल KMnO4 बेयर्स रिएजेंट होता है। क्या करता है ये, एल्कीन को किसमें चेंज करता है, अगर पढ़ा हो तो 11th में, डाइओल में चेंज करता है। डबल बॉन्ड को हटा के क्या लगा देता है, OH लगा देता है, देखो इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, देखो। यस मैम। अब यहाँ पे आई और जे दे रखे हैं, अब दोनों कायरल सेंटर है, तो इसके क्या बन जाएंगे, देखो मैं बना के दिखा देती हूँ। ये आ गया ना अपने पास, ठीक है, तो ये कायरल सेंटर अपने पास, तो कैसे बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और सिंडायोल मिलते हैं, मतलब OH सेम साइड से आते हैं, तो एक तो ये पॉसिबल है मेरा बेटा, एक इसकी मिरर इमेज बना दे, बोलो। Yes, तो बेसिकली हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास इनेंशियोमर्स मिल जाएंगे, देख रहे हो रिलेशन क्या है दोनों का, इनेंशियोमर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। अब आप ये मत सोचो कि पेपर में आएगा, पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते मेरा बेटा, ये क्वेश्चन तो सिर्फ इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आप लोगों का रिवाइज हो जाए। अब तुम खुद देखो, यहाँ से तुम्हारी कुशरोव रिएक्शन रिवाइज होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड का फंक्शन रिवाइज हो गया, तुम्हारा यहाँ पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, तुम्हारे यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लग गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, एल्कीन बन गई। तो ये क्वेश्चन की आदत डाल लो, तुम्हारे शुरू हो जाएंगे हर क्लास में। आई विल ट्राई कि एक क्वेश्चन ऐसा कराऊं। आज मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन सेम, मतलब इसी पैटर्न पे मैं तुम्हें होमवर्क के लिए भी दूंगी, समझ रहे सब बच्चे। Yes, yes. ऐसे क्वेश्चन जितना करोगे ना ऑर्गेनिक और ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत बच्चों का डाउट था, प्लीज इसको एक बार ट्राई करो, जिनका हो गया था देन मैं कराती हूँ इसको सॉल्व। पेयर्स रिएजेंट का फंक्शन भी पता होना चाहिए आप लोगों को, डबल बॉन्ड के लिए होता है वो, अनसैचुरेशन डिटेक्ट करने के लिए।
शाबाश शैनदेस कीजिए, वेरी गुड डिंपल तनिष्का। अच्छा बाकियों का तो अभिषेक का तो आई गेस डाउट था और दो तीन और बच्चों का भी था। देखो इसमें क्या करना है आप लोगों को, डिंपल अगर आप एक्सप्लेन करोगी तो बताओ मेरे को, चैट बॉक्स में दोगी तो नहीं हो पाएगा आंसर। चैट बॉक्स में नहीं। 2-chloro-1-phenylbutane, क्या ये सबको बनाने आता है? बनाए अपन, ब्यूटेन बना ले पहले, ठीक है। नंबरिंग कर देते हैं प्यार से, 1, 2, जितने ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को प्यार मोहब्बत से करोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। 2 पे क्या है बेटा? क्लोरीन है। 1 पे क्या है? फिनाइल है, ठीक है। बना दिया, इतना काम होगा, वैलेंसी पूरे करते रहना। आप में क्या बोला है? इसने बोला है कि जब आप इसको हीट करोगे, सोडियम मिथोक्साइड है, इथेनॉल है, और हीटिंग करके, यानी कि सिंपल सिंपल ये वो बोल रहा है कि यहाँ पे एल्कीन बनेगी, यही बोल रहा है वो। यस मेजर एल्कीन। नाउ यू हैव टू ऑप्शन, या तो इसको भगा के इसको भगाओ, या इस एच को भगा के इसको भगाओ, तो कौन से वाला बेटर है, ए वाला या बी वाला? ए वाला। तो सारे ए वाला बेटर है। वाई ए वाला बेटर, क्योंकि जो यहाँ पे एल्कीन बनेगी वो तुम्हारी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगी। देखो जिसको भी प्रॉब्लम था इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या बन गया? एक्स बन गया। दिस इज योर मेजर वाला प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ इसमें क्या रिएजेंट डाला है? इसमें मर्क्यूरिक एसिटेट डाला है, समझ जाओ कौन सी रिएक्शन है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन। सेकंड स्टेप में डाला है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन होगी। तो बेसिकली होगा क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मैंने क्या सिखाया था कि नेगेटिव वाला पार्ट तुम्हारे वहां जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, होगा। लेकिन यहाँ पे तो अरे दिक्कत ही आ गई कि दोनों जगह ही क्या है, हाइड्रोजन है। अब क्या करें? अब थोड़ा सा तुम्हें मैकेनिज्म ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता था, रिंग बनती थी 3 मेंबर, मैं यहीं पे बना के दिखा देती हूँ, याद आ रहा है? साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बनता था ऐसे करके। नाउ द सेकंड स्टेप क्या था कि रिंग उस साइड से ओपन होगी जहां पे जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब मुझे दिख रहा है अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो यहाँ पे आता है, यहाँ से करती हूँ तो यहाँ आता है। मुझे पता है ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो यानी कि यहीं से ब्रेक करूंगी मैं। देखो तो ये बन जाएगा, OH आ जाएगा ना पीछे से, वोटर अटैक मारेगा, बेसिकली यहाँ पे ये आ जाएगा। तो NaBH4 भैया जी आएंगे, यहाँ से H नेगेटिव आएगा और ये निकल जाएगा। तो बेसिकली जो OH है वो किसके साथ लगेगा? फिनाइल वाले के कार्बन के साथ लगेगा, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी योर सी ऑप्शन, ठीक है? यस। सभी को क्लियर हुआ? काफी प्यारा क्वेश्चन था, हालांकि ये जेई में आया था, बट जेई में आया इट्स ओके। क्या ये उससे बाहर है जो अपन ने पढ़ा है, उसी में से ही है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट में भी बिल्कुल आ सकता है, ठीक है? Yes, उसके बाद हेडिंग डालिए एलिफेटिक अमीन। मैम ये क्या बोल रहे हो आप, एलिफेटिक अमीन क्या? देखो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कुछ अल्कोहल के प्रिपरेशन के मेथड बताए थे, एक ये रह गया था अपना। कौन कौन से मेथड बताए थे मैंने? एक तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बताया था, याद करो, है ना? उसके अलावा और मैंने क्या बताया था, हाइड्रोबोरेशन वाला बताया था, याद करो, जिसमें एंटी मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो हो रहा था। और एक मैंने तुम्हें बताया था ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाला, याद करो। यस, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ एक और मेथड है एलिफेटिक अमीन्स, ठीक है? एलिफेटिक अमीन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? अब एलिफेटिक अमीन बोले तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, सिंपल RNH2 ले लेती हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे जो R है वो कोई एल्काइल चेन होगी, एल्काइल पार्ट होगा, ठीक है। अब हम क्या करना है, इसमें हम क्या डालते हैं मेरा बेटा, नाइट्रस एसिड डालते हैं। या तो एग्जामिनर तुम्हें लिख के देगा HONO या HNO2, या इसकी जगह वो लिख के दे सकता है सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। एक्चुअल में क्या होता है मेरा बेटा, इनसे क्या जनरेट होता है, NO+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बट इसका मैकेनिज्म आप लोगों को नहीं करना है, तो आप, मैं करवाऊंगी भी नहीं और आपको करना भी नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, ये जाना पहचाना से नहीं लग रहा है थोड़ा थोड़ा रिएजेंट? सोचो ये थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा होगा हेलो एल्केन एंड हेलोरिन में। तो बेसिकली या तो एग्जामिनर तुम्हें ये दे देगा या ये दे देगा। तो सबसे पहले डाइजोनियम सोल्ट में चेंज होगा, देखो याद करो,
बोलो। डाइजोनियम सोल्ट में चेंज होगा। अब क्या होगा, अब ये जो डाइजोनियम सोल्ट बना है ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल कैसे, क्योंकि N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो अगर इसको बाहर मिलने का मौका मिलेगा ये तो बाहर भागेगा भाई साहब, बाहर भागेगा। तो जैसे ही ये बाहर भागेगा N2 गैस बाहर निकलेगी, क्या मेरे पास कार्बोकैटायन नहीं बन जाएगा क्या? यस मैम। सोच लो आराम से सोच लो, टेक योर टाइम। मेरे पास कार्बोकैटायन बन गया, और अगर मेरे पास कार्बोकैटायन बन गया तो मुस्कान क्या सोचोगी तुम? मैम रीअरेंजमेंट। कोई भी मुस्कान बता सकती है। यस कोमल क्या सोचोगी तुम? कोमल शर्मा। मैम रीअरेंजमेंट। यस रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। ठीक है, और फाइनली क्या होता है, यहाँ पे वोटर जी आते हैं, क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और फाइनली तुम्हें क्या मिल जाता है, इसमें एल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, तो एलिफेटिक अमीन से हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मान लो मेरा बेटा, क्या तुम सेम इसी स्टेप से फॉलो करके, क्या तुम अगर एरोमेटिक अमीन लेते हो, क्या उसमें भी तुम ये डाल के बना सकते हो क्या फिनोल? सबसे पहले क्या बनेगा यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, याद करो। यस कहाँ पे सीएल नेगेटिव भी तो बनेगा, समझ नहीं मैं कहाँ बनेगा। नहीं मेरा बेटा, यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनता है, भूल गए, उसमें सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है कार्बोकैटायन वाले में। भूल गए, जब मैं SN1 करवा रही थी तो मैंने क्या कहा था, जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो क्या करता है, कार्बोकैटायन को सोलवेट कर लेता है ना, याद करो। तो वो जाके पहले अटैक करेगा, तो यहाँ पे आपका एल्कोहल बनेगा, ठीक है, एल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा ये चीज। ठीक है, चलो फाइनली हम आते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, और मैंने, अगर तुम्हें याद हो तो ये स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पे, याद करो। देखो रेजोनेंस भी है, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर किया तो भैया N2 बाहर निकल जाएगा। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, N2 को बाहर निकाल दोगे और ये फिनोल बना दोगे, नहीं, आपको इसको रिएक्शन करवानी पड़ेगी गर्म पानी से, और हीट, मतलब हीट करते रहना पड़ेगा, तब जाके फिनोल बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। बट इसमें क्या होता है, एलिफेटिक अमीन में अनस्टेबल होता है, N2 बाहर निकल जाता है एज अ, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो कार्बोकैटायन बनता है, देन वहां पे वाटर अटैक करता है, और फाइनली तुम्हें क्या मिल जाता है, एल्कोहल मिल जाता है। समझे? बोलो। यस मैम। सोच लो आराम से सोच लो, नई नई चीजें हैं तो इट विल टेक टाइम। आज कौन नहीं आया भाई, बहुत बच्चे नहीं लग रहे हैं मेरे को, नहीं आया। पलक आई, पलक तुम एब्सेंट थी भाई काफी दिनों से। यस मैम, मैम थोड़ा हेल्थ इश्यू था उस वजह से। अच्छा, चलो कोई नहीं, हेल्थ का ध्यान रखो बेटा। चलो उसके बाद, हाँ चेतना नहीं आई, राइट 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 राइट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करें क्या? चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, HNO2 दिया हुआ है, तो हम क्या करें, सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन कह रहे हो, आई एम सो सॉरी, थाइजोनियम क्लोराइड बना लेते हैं यहाँ पे, MeHET। अब आपको पता ये निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, बोलो क्या कहते हो? तो एक बात बताओ, जैसे ही ये कार्बोकैटायन बना तो मेरा तो प्लेनर बन गया ना सिस्टम, बिकॉज SP2 है, प्लेनर है, कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा पीछे से, जो कि वोटर है, वो तो फिर मेरा कहीं से भी अटैक कर सकता है, आगे से भी आ सकता है, पीछे से भी आ सकता है, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। तो यानी कि मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, OH यहाँ पे भी लग सकता है NH2 वाली साइड पे, है ना, और OH कहाँ लग सकता है अपना, इसके बैक साइड पे भी लग सकता है। तो ये क्या बन गए अपने, मिरर इमेज है, ठीक है, ये कैसा मिक्सचर बन गया, रेशमिक मिक्सचर बन गया, बोलो हाँ के ना। यस मैम।
ठीक है, तो अब तुम क्या ऐसे सवाल हमने नहीं किए क्या? हमने बिल्कुल किए हैं पहले ऐसे क्वेश्चन। अब क्या हुआ है, रिएक्शन चेंज हो गई। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, उन दो दिन से क्या कर रहे हैं हम ना, बेसिकली कर क्या रहे हैं, या तो OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करते कर दे रहे हैं, है ना, अलग अलग तरीके से रिएक्शन करा के, कभी ल्यूकास रिएजेंट के साथ करा रहे हैं, कभी किसी के साथ करा रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं तो देखो कार्बोकोटाइन फॉलो हो रहा है ना, कभी किसी में कार्बोकोटाइन नहीं बन रहा है, जैसे हाइड्रोबोरेशन होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो गया, तो ये बहुत सिमिलर टाइप से तुम्हें लगेगा कि हाँ मैम ये तो ऐसे लग रहा है कि डेली यही सब कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना था। कैन यू ट्राई क्वेश्चन नंबर 2? यस मैम, करो। सोच लेना कि इसमें कुछ एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन तो नहीं होगी। जो बेटा लेट आ रहा है प्लीज थोड़ा जल्दी आया करो। पूजा भी बड़े दिनों बाद आई है ना पूजा? नो मैम। डेली आ रही हो तुम? यस मैम। अच्छा दक्ष बताओ भाई क्या लग रहा है बेटा? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ये बन रहेगा क्या? OH कहाँ लगाओगे? OH भूल गए लगाना? क्या बन रहा है कोई और बताओ तनिष्का। मैम वही CH3 के साथ ही OH आ जाएगा। ठीक है, यही आया क्या सबका जिन्होंने हैंड रेस किया है? यस मैम। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं अब हम। सबसे पहले तो तुम्हारा डाइजोनियम सोल्ट बनने वाला है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बना दूं ना कार्बोकोटाइन। अब क्या होगा, ये देखो ये वही केस है ना रिंग एक्सपेंशन वाला। तो यहाँ पे अपन क्या करते थे, 1-2 नंबरिंग करते थे, तो हम बोलते थे 1-2 का बॉन्ड ब्रेक कराओ, 2 पॉजिटिव का बॉन्ड बनाओ, 1 पे पॉजिटिव लाओ, तो देखो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकोटाइन। अब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगी देखो, है ना, तो बेसिकली कार्बोकोटाइन कहाँ आ जाएगा आपका यहाँ पे, और वोटर से क्या मिल जाएगा यहाँ पे OH मिल जाएगा। अब ये मत कहना मैम आपने तो इतनी जल्दी करा दी शॉर्टकट में, अरे मैंने इसको ऑलरेडी डिटेल में बहुत बार समझा दिया है, अभी एक्सपेक्ट मत करना दोबारा से डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। आना चाहिए था ये वाली चीज आपको, ठीक है, बहुत बार कर लिया हमने, बहुत बार, कोई गिनती नहीं है, ठीक है। तो फाइनली ये बन जाएगा आपका 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इधर देखो एक रिएक्शन, एक क्वेश्चन दिया है बेसिकली, तो साइल, इसको बोलते हैं मेरा बेटा टोसाइल क्लोराइड, आपने शायद नहीं सुना होगा कुछ बच्चों ने। तो साइल क्लोराइड होता क्या है ये बेटा, ये होता है, मैं इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ये होता है पैरा टोल्विन सल्फोनिल क्लोराइड। ये काफी अभी मैं बताऊंगी, तो बेसिकली ये क्यों हम ले रहे हैं, याद है हमने पहले रिएक्शन की थी OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे थे, तो ये जो टोसाइल क्लोराइड होता है ना ये भी OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है आप दिखाती हूँ मैं, एक बार मैकेनिज्म देख लो, वैसे पेपर में कोई नहीं पूछ रहा आपसे। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, ये यहाँ पे सल्फर के पास अटैक करते हैं, ये इलेक्ट्रोडेंसिटी यहाँ शिफ्ट होती है, ये वापस आता है और ये निकल जाता है, समझ रहे हो। तो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा, देख रहे हो, ठीक है। तो इसको हम शॉर्टकट में कैसे दिखाते हैं, शॉर्ट में हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, देखो ऐसे, समझ रहे हो। तो बेसिकली ये क्या बन गया, OH से किसमें चेंज हो गया, OTS में।
OTS में. अब ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, अब ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है. समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम. है ना? देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे मैं बोल रही हूँ. आपका ये बन जाएगा, ये देखो ओ के साथ ये पूरा ग्रुप कंबाइन हो जाएगा. ये देखो ये वाला. ठीक है, अब एक बार बताओ जब ये निकलेगा यहाँ से तो जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ना. अब बताओ है कि नहीं अच्छा लेवल, है ना? Yes. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. तो बेसिकली ये आप बहुत ज्यादा नीट में नहीं आया हुआ तो आप बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को नहीं देखोगे ऐसे टाइप के. तो मैंने एक ये करवा दिया. ठीक है, इतना पढ़ रहे हो तो ये भी एक चीज देख सकते हो आप. तो बेसिकली इसने क्या किया, टोसाइड क्लोराइड ने OH को एक अच्छे लिविंग ग्रुप में चेंज कर दिया. अब यहाँ पे इन्होंने, ये तो ए बन गया. नाउ यू हैव लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ये क्या करता है, एच नेगेटिव आता है. याद है ये वाली रिएक्शन? याद है, करवाई थी मैंने. अगर एल्काइल हैलाइड एक्स इज अ गुड लिविंग ग्रुप तो यहाँ पे तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो तो ये इस तरीके से इसको बाहर निकाल देता है. तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ये बाहर जाएगा. तो फाइनली तुम्हारे पास ये बन जाएगा खत्म. समझे? इसका आयुपेक नेम नहीं पूछेगा कोई आपसे. कहीं आप सोच रहे हो मैम आयुपेक नेम पूछ लिया तो नहीं पूछते हैं वो इन क्वेश्चंस में. आपको प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए. ठीक है, फोर्थ समझ में आया ये कैसे किया. सबसे पहले OH को लिविंग ग्रुप में चेंज किया, देन ए बनाया, फिर उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल के एच बन गया. तो दिस इज माई बी, सिक्स मेंबर रिंग है ये, कहीं फाइव बना दो. अब उसके बाद ट्राई करो फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला हुआ इसमें. बाकी बच्चे हैंड रेज कीजिए. तनिष्का, दक्ष, मुस्कान और अभिषेक हो गया. ठीक है, हुस्नबाज, पीयूष, डिंपल, अंशिका, कोमल, पूजा, शिवानी, अरे भाई पढ़ लो, तमन्ना, स्नेहा, मुस्कान तुम बताओ. मुस्कान, मुस्कान कुमारी नहीं, ओनली मुस्कान. मैम यहाँ से ओमिथाइन निकल जाएगा. ओएमई पे रिएक्ट करेगा क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? ईथर पे करेगा क्या रिएक्ट? नहीं करेगा. तो ये तो सिर्फ एल्डिहाइड को करेगा ना रिड्यूस. बोलो. यस मैम. ना इसको तो कुछ नहीं कहेगा ना. मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का कोई ऐसा फंक्शन बताया था जिसमें वो ईथर को रिड्यूस कर रहा हो? नहीं बताया था ना. समझे? इलेक्ट्रोफाइल पे तो, क्योंकि यहां से बेटा एच नेगेटिव आ रहा है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल ना. ओएमई पे कैसे रिएक्ट करवाओगे? ऑक्सीजन के पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट. नाउ अब आपको क्या करना है, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही सिंपल है. अब ये एक्सपेक्ट मत करना ये पेपर में नहीं आएंगे, बट हाँ मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया तुम्हें, तुम्हें ये बताना है इफ आई एम टेकिंग एल्कीन प्रोपीन और आई वॉन्ट टू कन्वर्ट प्रोपीन इंटू प्रोपेन टूल तो कौन सा रिएजेंट मैं यूज करूंगी. ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है. सेकेंड क्वेश्चन,
अगर मेरे पास बेंजाइल क्लोराइड और मैं बेंजाइल अल्कोहल बना रही हूँ तो मुझे इसके लिए क्या रिएजेंट डालूं इसमें? ऐसी मुझे इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसमें मैं क्या रिएजेंट डालूं कि मेरा ये बन जाए? सोचो, दिमाग लगाओ और मुझे बताओ। ठीक है, अभी मैंने एक एक रिएजेंट पूछा है। तुम्हारे एनसीईआरटी में जो कन्वर्जन है बैक एक्सरसाइज में, उसमें 5-5, 6-6 का कन्वर्जन होता है। तो अभी अभी ट्राई कर, मतलब अभी ट्राई करो आप लोग। इजी है, करते जाओ, तुम लोगों को आता है। शाबाश तनिष्का, डिंपल, अंशिका, मुस्कान, वेरी गुड। बाकी बच्चे हैंड रेस कीजिए। शाबाश, करो करो, तीनों कर लो। एक काम करो, एक एक करके मत हैंड रेस कीजिए, तीनों कर लो और हैंड रेस करो। चलो, पूजा नहीं हुआ है। सना, डिंपल, अभिषेक, डिंपल का हो गया, अभिषेक करो मैम। करो करो, बस अपने जो भी ध्यान में आ रहा है ना रिएजेंट, वो डाल के बनाना आपको। ओके, 6 बच्चों ने हैंड रेस कर लिया है। अंशिका शर्मा, आप बताइए क्या लग रहा है? मैम पहले वाले में मर्करी OH2 वाला लगेगा। हाँ, याद, आप डाल दो इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन करा दो, नहीं तो क्या डाल दूं, डाइल्यूट H2SO4 से भी काम चल ही जाएगा अपना। हम HBr भी तो डाल सकते हैं ना। HBr से तो Br लगेगा ना मेरा बेटा, फिर तुम्हें फिर फर्दर उसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी एक्वस KOH के साथ, फिर ये बन जाएगा। यस मैम, ठीक है, बिल्कुल जा सकती हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में मैं क्या डालूं कि मुझे ये बन जाए, मिल जाए। हाँ दक्ष, हाँ बिल्कुल सही है, H+H2 ये भी डाल सकते हो। H2 और हाइड्रोक्साइड डाल सकते हो, वो मैं समझी नहीं। यहाँ पे क्या डाल सकते, सेकंड में H2 और हाइड्रोक्साइड। अच्छा मैम, सेकंड में एक्वस KOH नहीं डाल सकते? बिल्कुल डाल सकते हैं, डाल दो, बन जाएगा ये। ठीक है, अब वोटर ना ऐसे नहीं ले सकते हो हर जगह। ठीक है, ऐसे बन भी जाएगा अगर आप SN1 से जा रहे हो तो बन जाएगा उससे भी, तो यू कैन ऑल्सो टेक एक्वस KOH। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या डालूं कि मुझे ये मिल जाए, प्रोपेनॉल। सोचो, 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 दक्ष, अभिषेक, पीयूष, प्रिया, कोमल, पूजा, करो करो, ट्राई करो। हाँ जी, ऐसी डेडली आई CH3CHO। यस मैम, यही है क्या सबका? बट हेयर वी हैव 3 कार्बन ना ओनली, तो तुमने 2 तो ये ले लिए, इथाइल के भी 2 ले लिए, वो तो फिर 4 कार्बन बन जाएंगे ना। क्या नाम है तनिष्का? फॉर्मेल्डिहाइड लो। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल देता है, अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड हमें सेकेंडरी अल्कोहल देगा, कीटोन के साथ टर्शियरी अल्कोहल देगा। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया? यस मैम। अब ना तुम जब एनसीईआरटी ओपन करोगे आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस चैप्टर ना, हो सकता है तुम लोगों ने किया भी हो, बट मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करती क्योंकि कुछ कुछ रिएजेंट है जो तुम टाइम के साथ सीखोगे,
तो उसमें क्या होता है ना, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज के रिएजेंट वो है कन्वर्जन, 3 नंबर का तुम्हारे बोर्ड में तो आता ही है वो पेपर, तो उसमें क्या होता है ना, तुम्हें ऐसे ही दिया होता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करो, और काफी कॉम्प्लिकेटेड दिए हुए हैं, तो ये तो मैंने बहुत सिंपल दिया है कि आपको एक ही रिएजेंट से हो जा रहा था ये क्वेश्चन, लेकिन जो आप अपने उसमें करोगे ना एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में जो है उसमें 5-5, 6-6 रिएजेंट डाल के तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, लेकिन अभी मत करना उनको, एक बार ये चैप्टर फिनिश हो जाए तो आपको वो होने लगेंगे क्वेश्चन। मैम लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दो बेटा, यहाँ पे मेरे पास ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ना, और यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, तो रिएक्शन ये नहीं होगी क्या? ठीक है, चलो ठीक है, आगे लिखो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। कुछ कुछ हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं एल्कोहल की, तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है यहाँ पे अपनी, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल लिखो, एसिडिक नेचर। अब हमें ये देखना है कि कितना एसिडिक है अपना एल्कोहल, लेट्स से कि मैंने ROH ले लिया मेरे बेटा, अगर मैं ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, लगने में लगेगा कि बेसिक आएंगी नहीं पेपर में, बट ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा क्वेश्चन सोल्व करने में। अगर मैं मेरा बेटा एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराती हूँ, सोडियम मेटल के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, आप सबको पता है सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो अगर यहाँ से तुमने H+ निकाल के एल्कोक्साइड आयन बनाया, ध्यान से देखो, तो जो H+ निकलेगा वही H+ ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा, तो यानी कि जो मैं रिएक्शन करा रही हूं ROH की एल्कोहल की रिएक्शन यानी कि सोडियम के साथ हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? यस मैम। अगर मैं मान लो एल्कोहल की रिएक्शन कराती हूँ सोडामाइड के साथ, देखो एल्कोहल का जो H है ना बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है, इफ यू वॉन्ट ना कि यहाँ पे एल्कोक्साइड बन जाए, तो यू हैव टू टेक सम ऐसा वाला रिएजेंट जो काफी स्ट्रोंग हो, जिसमें ताकत हो ये निकाल लेने की। अगर तुम सोडामाइड लेते हो, सोडामाइड बहुत स्ट्रोंग बेस है, तो उसमें ताकत है ये H+ को निकाल लेने की, तो क्या करेगा, जैसे ही NH2 नेगेटिव ये H+ लेगा अमोनिया बन जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट, और यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा एल्कोक्साइड बन जाएगा, तो ये भी रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, अभी मैं एल्कोहल की बात कर रही हूँ, फिनोल वाले केस में हम फिनोल की बात करेंगे। अगर मैं मान लो इसकी रिएक्शन कराती हूँ बेटा NaOH के साथ, क्या एल्कोहल NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, खुद सोचो, यहाँ पे क्या बनेगा, एल्कोक्साइड और वॉटर बनेगा, देखो yes. तो ये रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी, एल्कोहल NaOH के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे R मिथाइल नहीं होना चाहिए, सुनो इधर, अगर तुम्हारा मिथेनॉल हुआ तो वो रिएक्ट कर जाएगा NaOH के साथ और मिथोक्साइड आयन बना देगा, बट अगर मिथेनॉल के अलावा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मिथेनॉल के अलावा तुम कोई और एल्कोहल ले रहे हो तो वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो, काटा लगा के लिख दो, नो रिएक्शन, मेक श्योर R शुड नॉट बी इक्वल टू CH3, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चले, अगर मान लो तुम एल्कोहल की रिएक्शन कराते हो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पे अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम यहाँ पे एल्कोक्साइड बना लेते हैं और साथ में अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा H2CO3। अब आप ये देखिए, अगर आपने कभी सुना हो इक्विलिब्रियम में या जीओसी मतलब 11th में, तो आपको ये बोला जाता है कि अगर हमारा स्ट्रोंग, अगर आपकी रिएक्शन वीक एसिड की ओर जाती है, लाइक अगर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट वाली साइड वीक एसिड बनता है तो वो रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, बट अगर स्ट्रोंग बनता है तो वो नहीं बनती है। अब इसमें देखो, एल्कोहल तुम्हारा स्ट्रोंग एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड, ऑब्वियसली बात है इनऑर्गेनिक एसिड है, ये होने वाला है स्ट्रोंग, तो ये स्ट्रोंग एसिड है, तो अगर ये स्ट्रोंग एसिड है तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो यानी कि एल्कोहल
सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर तुम सैंपल में अल्कोहल डाल रहे हो, कोई भी इथेनॉल डाल रहे हो और उसके ऊपर डाल रहे हो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? Yes. तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ बेसिक रिएक्शन है। हाँ, एल्कोहल सोडामाइड के साथ कर जाएगा, एल्कोहल सोडियम के साथ कर जाएगा, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? कर लिया, नोट डाउन कर लिया, बताइए। यस मैम। यस मैम। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मैंने बता दिया था क्या तुम लोगों को? याद नहीं आ रहा मेरे को। एल्कोहल ज्यादा स्ट्रोंग एसिड होता है या वाटर, बताया था क्या? अच्छा, अभी नहीं बताया था। बताए तुम लोगों को, वाटर ज्यादा स्ट्रोंग एसिड होता है या अल्कोहल? अरे वाटर होता है। क्यों होता है वाटर? क्योंकि H प्लस देने के बाद वो OH नेगेटिव बनाएगा। हाँ, और वहां पे वो RO नेगेटिव बनाएगा, तो R का वो इंडक्टिव इफेक्ट लगा के उसको थोड़ा डिस्टेबलाइज कर देगा, तो वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे भी बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा था, तभी यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन हाँ मिथेनॉल के केस में हो जाती है, ठीक है? कोई नहीं, आगे आने वाली क्लास में बताऊंगी। ये वाला क्वेश्चन करवाती हूँ अभी तुम्हें, जो तुम लोग मुझसे डाउट पूछ रहे थे ना एक बार, शायद असाइनमेंट में था ये क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करते हैं हम एक बार। तुम करो, आपको बेसिकली मेजर प्रोडक्ट बताना है इस पूरे की रिएक्शन। तुम करा रहे हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो तुम्हें बताना है कौन सा प्रोडक्ट बन पाएगा यहाँ पे, ए बी सी डी, ये तुम लोगों को बताना है। एक काम करो, अभी बैठ के ना ट्राई करो कि क्या होगा। सोचो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा अपन सोचेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, कल तो तमनप्रीत ने सोल्व करके भेज दिया था, क्योंकि उनके वाले बैच ने भी मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा था। दक्ष ने भी हैंड रेज कर लिया है, बाकी बच्चे ट्राई कीजिए। एक और चीज मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो बच्चे असाइनमेंट सोल्व कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, जो नहीं कर रहे हैं उनका मैं क्या ही बोलू, ठीक है? जो बच्चे कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर असाइनमेंट सोल्व, तो मेक श्योर अगर आपके 20 में से 15 क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो 5 जो रह जाते हैं ना उनको आप छोड़ा मत करो, वो डाउट अपने क्लियर किया करो, वरना वो 5 ना कभी सोल्व नहीं होंगे, वो नीट का पेपर आ जाएगा, है ना, तब भी नहीं होंगे वो सोल्व। तो जो जो डाउट आते हैं उसको ट्राई करो एक दो दिन में खत्म करने का। दक्ष, कोई बात नहीं बेटा, तुम कर लेना आराम से। देखो क्या लग रहा है इसमें, देखो इसमें ना कोई मुझे बताएगा दक्ष और तनिष्का के अलावा, कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? मुस्कान। यस मैम। मैम यहाँ पे OH पहले निकलेगा, तो मैम यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और मैम फिर यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 एल्कीन को ब्रेक। मैम फिर एल्कीन का ब्रेकडाउन होके वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा, तो मैम फिर वहाँ पे रिंग बनेगी। हाँ, वो तो तुमने देख लिया कल उसमें से डाउट सॉल्विंग से। यस मैम। देखो ये देखो, अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें तुम्हारे लोगों के दिमाग में आ सकती हैं, ध्यान से देखेंगे हम। आंसर तो इसका सी है, नो डाउट, बट आया कैसे? व्हाई अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ये भी हमें चेक करना है। देखो
डाइल्यूट H2SO4 है, पानी होगा, HOROH आएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, ठीक बात है। अब यहाँ पे देखो, एसिड के साथ आपका ये डबल बॉन्ड भी रिएक्ट कर सकता है और ये OH भी, याद करो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन नाम का एक मैंने रिएक्शन करवाई थी। बट अगर मान लो तुम्हारे जहन में आया कि एल्कीन रिएक्ट कर रही है, तो तुम पक्का इसको ऐसे ब्रेक कराओगे, यहाँ कार्बोकैटायन बना के OH लगा दोगे, इसको ब्रेक कराओगे कार्बोकैटायन बनाओगे OH लगा दोगे, तो फाइनली आपका बी बन रहा होगा फिर, ठीक है। ये तो नहीं बन सकता, ये तो बिल्कुल नहीं बन सकता। अगर तुम ये भी बना रहे हो तो ये तो फिर भी नहीं बनेगा, क्योंकि इन दैट केस तुमने लेस स्टेबल कार्बोकैटायन वाले पे OH लगा दिया, ठीक है। तो ये तो हटाते हो, ठीक है। अब बात आती है बी बनेगा या फिर रिंग बनेगी, कुछ तो होगा। लेकिन मेरा बेटा, शायद मैंने तुम लोगों को बताया था, एल्कीन से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर फ्री है, एनर्जी ज्यादा होती है इनकी लोन पेयर की, जाएंगे अटैक करेंगे। तो एल्कीन के जाने से पहले OH अटैक करेगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल और वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे फिर फाइनली जो है कार्बोकैटायन मिलेगा, ये वाला। अब यहाँ पे भी तुम ये दिमाग लगाओगे कि मैम ये तो प्राइमरी डिग्री कार्बोकैटायन है, क्यों ना इसको हम रीअरेंज करा लें एलाइलिक कार्बोकैटायन, है ना। बेसिकली आप ये भी सोच सकते हो कि मैम ऐसे बन जाएगा, अब ये स्टेबल कार्बोकैटायन है पहले के कंपैरिजन में, हाँ है, मना नहीं कर रही हूं मैं। लेकिन अब क्या करोगे, अब अगर तुम रिंग बनाते हो तो इस बॉन्ड को तो ऐसे ही ब्रेक करोगे, बिकॉज यहाँ पे स्टेबल होगा तुम्हारा कार्बोकैटायन। तो अगर तुम रिंग बनाते हो तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो 1 2 3 4 चार मेंबर रिंग बन जाएगी। पहली बात तो ऑप्शन में ही नहीं है, दूसरा चार मेंबर रिंग स्टेबल ही नहीं होती, तो जो तुमने ये काम करवाया है वो होगा क्या? नहीं होगा। मैं फिर बोलूं एक बार में ही समझ लो, अब तुम ध्यान भटकाओगे तो फिर मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी। तो ये तो नहीं बनेगा, हाँ या ना में जवाब दो सारे। Yes, ये तो नहीं बनेगा, यानी कि ये जो जैसा था वैसा ही रहने दो। अब चेक करो, अब क्या पॉसिबिलिटी है, अगर मान लो मैं ये पॉजिटिव चार्ज यही रहने देती हूँ, और इस एल्कीन को ब्रेक तो होना ही है भाई, ब्रेक तो होके रहेगी ये, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बनेगा तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, नाउ दिस इज स्टेबल, विजिबल प्रोसेस, यस, 6 मेंबर रिंग स्टेबल होगी। तो आपको आंसर आ गया होगा, बनाओ 1 का बॉन्ड किसके साथ बनाओगे, 6 के साथ, और 1 का 2 3 4 5, ठीक है। 1 पे क्या लगा हुआ है, देखो ये लगा हुआ है इस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। और आपका 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, देखो। और 4 और 5 के बीच में क्या है, बॉन्ड है, बस वोटर आएगा अटैक करेगा, फाइनल प्रोडक्ट सी बन जाएगा। क्या तुम्हें ये समझ में आया कि बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों है, सी ही क्यों करेक्ट है? यस मैम, यस मैम, यस। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चल सकती हूँ मैं, बताओ? यस मैम, यस मैम। चलो, वेरी गुड, थैंक यू फॉर गिविंग मी थम्स अप। ये बच्चे 27 क्यों है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ये ऐसी रिएक्शन है जो तुम ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ते थे, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टर बनाने अपने को, अगर तुम्हें मालूम हो तो एस्टर हम कैसे बनाते थे बचपन में, अल्कोहल लेते थे, एसिड लेते थे, है ना, अगर तुम्हें याद हो तो। बेसिकली क्या होता है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के पानी बाहर निकल जाता है, और फाइनली तुम्हें क्या मिल जाता है, RCOO R- और पानी जो है बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जरूरी नहीं है कि अल्कोहल के साथ हमेशा एसिड रिएक्ट करेगा तभी ये बनेगा, अल्कोहल के साथ एसिड का डेरिवेटिव भी रिएक्ट कर सकता है, इसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगी, डोंट वरी। अगर मान लो एसाइल क्लोराइड यूज कर रहे हो तो इस केस में भी क्या बनने वाला है तुम्हारा, यही बनेगा। एक सेकेंड, HCl तो बाहर निकल जाएगा, तो RCOO R- और HCl बाहर निकल जाएगा। एक्चुअली में ये रिएक्शन होती है पीरिडीन की प्रेजेंस में, बेस क्यों होती है, क्योंकि जैसे ही HCl बाहर निकलेगा विच इज एसिड, पीरिडीन बेस है तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है।
ऐसे ही हम इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है, इसमें भी एस्टर मिलता है और साथ ही साथ क्या मिलता है, एसिड मिलता है। अगर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, सब में एस्टर मिल रहा है, सिर्फ साइड प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, देख पा रहे हो? यस मैम। लेकिन अब ये बना कैसे, मैकेनिज्म क्या है, वो मैं इसका सिखा देती हूँ, जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो, फिर मैं एक बार मैकेनिज्म इसका सिखा देती हूँ तुम लोगों को। करो ये वाला क्वेश्चन, ओ सॉरी ये वाला नोट डाउन करो। प्रियांशी आई है क्या? प्रियांशी नहीं आई। कशिश, नाजो, चलो मैकेनिज्म क्या होगा इसका, इधर आओ। मान लेते मैं यहाँ पे सिंपल क्या ले लेती हूँ, एल्कोहल ही ले लेती हूँ। देखो एसिड है और रिएक्शन करा रही हूं मैं इसमें, एसिडिक मीडियम में करवा देती हूँ। तो बेसिकली होता क्या है बेटा, सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोनेशन होती है, ये एच प्लस ले लेता है। अब ये होता क्यों ऐसा, ध्यान से देखो, होता इसलिए है मेरा बेटा क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा क्योंकि वो अपना चार्ज खत्म करेगा, और उतनी ही जल्दी कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेवलप होगा। तो यानी कि ये काम कराने से कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। और अगर कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई है तो न्यूक्लियोफाइल के लिए इजी होगा ना इस पर अटैक करना, क्या कहते हो? Yes, ma'am. तो ये वाला स्टेप आने वाले दिनों में तुम बहुत देखोगे। जैसे अगर आपको याद हो तो ल्यूकास रिएजेंट में मैं किसके साथ रिएक्शन करा रही थी, ZnCl2 के साथ, तो वो भी क्या कर रहा था, यही तो कर रहा था, वो कॉम्प्लेक्स बना रहा था, याद करो। तो ये क्या कर रहा था, रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प कर रहा था ताकि जल्दी से निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो होगा क्या, कुछ नहीं होगा, आर सी ओ एच ओ एच ओ आर, एच को मैंने निकाल दिया न्यूट्रलाइज करवा के। अब यहाँ पे मेरा बेटा क्या है, एक कार्बन पे दो एच स्टेबल नहीं होते हैं, पानी निकलेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर सी ओ ओ आर। अगर आप ठीक है देखो बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो इसको आर डैश ले लो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, बोलो हाँ के ना। अरे बोल दो, कुछ और कर दिया क्या मैंने? Yes, ma'am. अगर मान लो तुम अल्कोहल की रिएक्शन इसके साथ करा लो, एसाइल क्लोराइड के साथ, तो भी ये होगा, क्या होगा यहाँ पे देखो, अटैक करेगा, वापस आएगा, सीएल बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, आर सी ओ ओ आर बन जाएगा। हाँ तनिष्का बोलो। मैम ये ओ आर कैसे आया? ये है ना बेटा, इधर देखो अटैक करा ना इसने, जब ऑक्सीजन ने अटैक किया तो ऐसा बनेगा ना, तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, एच प्लस को निकाल दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, डायरेक्ट दिखा दिया ना मैंने। ओके ठीक है, अगर तुम एसाइल क्लोराइड के साथ करा रहे हो तो भी एस्टर बन जाएगा, अगर तुम एसिड एनहाइड्राइड के साथ करा रहे हो तो भी बन जाएगा। तो उसमें ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा अगर तुम देखना चाहते हो तो, ये अटैक किया, ये यहाँ पे गए, वापस आए और ये यहाँ से निकल गया। बोलो क्या कहते हो, क्या ये मैंने पहले नहीं करवाया, करो ये अपने ऐसे टाइप के मैकेनिज्म। लेकिन ये मेरे देखने, मेरे को देखने से नहीं आएंगे, ये अपने हाथ चलाने पड़ेंगे तुम लोगों को, समझ रहे हो? ऐसे स्टेप मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, नहीं किए हैं तो आप लोगों की गलती है, क्यों नहीं किए? ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरा बेटा यहाँ पे, कंपेयर द रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन। अगर मान लो तुम लोगों के पास आ जाए, कंपेयर कर दो रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन, तो मैं ये बोल सकती हूँ क्या कि जो मेरा रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन होगा, सारे ध्यान से सुनना और मुझे बताना ठीक है कि नहीं, रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन, क्या कहते हो? यस मैम।
अगर कार्बोनिल कार्बन जितना मेरा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा उतने मेरे लिए अच्छा होगा, न्यूक्लियोफाइल मस्त अटैक कर पाएगा। या तुम ये भी तो बोल सकते हो, अगर मान लो सब में आपका जो एसिड है या एसिड डेरिवेटिव वो सेम है लेकिन न्यूक्लियोफाइल अलग है, तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन में बोल सकती हूँ क्या? रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कोहल। जितना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल बल्की होगा उतना उसको दिक्कत होगी अटैक करने में, बोलो। यस हाँ, ये ना अगर मान लो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, लेट से एक मेरे पास है ये अल्कोहल है और एक मेरे पास ये अल्कोहल है और एक मेरे पास ये अल्कोहल है, तुम्हें बताना है रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन का ऑर्डर। एक मैं और क्वेश्चन दे रही हूँ, एक तुम्हारे पास ये एसिड है, एक ये है और एक ये है, इसमें भी तुम्हें रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन का ऑर्डर बताना है। करना ऐसे टाइप के क्वेश्चन आया हुआ पहले पेपर में, करो मेरा बेटा, शाबाश। मेन काम तो अभी शुरू होएगा, अभी मैंने आज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ाने हैं। आपको रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन बताना है। एल्कोहल कैसा होना चाहिए? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए ना? यस मैम। तो क्या होना चाहिए फिर ऑर्डर? बीसी एबीसी एबीसी ठीक है ओके। एसिड का कार्बोनिल कार्बन क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए, तो बताओ ऑर्डर क्या होगा सेकंड वाले में? अरे देखो ना किसमें ये होगा ना ऑर्डर, बिकॉज यहाँ पे तो बेटा तीन वो है ना, सी कैसे होगा पहले हैं? एक बार बताओ, इधर आना, जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भैया जी आएंगे ये तीनों अपने प्लस आई इफेक्ट लगा के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इसका रेट क्या फास्ट होगा क्या? नो फिर ठीक है, तो ध्यान रखना कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी शुड बी ज्यादा होनी चाहिए, जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होंगे उतनी कम हो जाएगी उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, रेट स्लो हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो रेट ज्यादा हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा लेस बल्कि होना चाहिए, बिकॉज अगर ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड होगा तो कैसे जाएगा बेचारा, मोटू सा बंदा कैसे जाएगा? हल्का बंदा तो मस्त अटैक भी कर पाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये नहीं जानते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या होता है, जिनको नहीं पता डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल? क्या मैंने करवाया है ये वाला टॉपिक? यस मैम। बताओ। हाँ मैम, इतने दिन से कर क्या रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, OH को पानी में बदल रहे हैं, कार्बोकैटायन बना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें इवन मैकेनिज्म फॉलो होता है, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो रिएजेंट जनरली यूज होते हैं ना डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में, वो तो या तो आपको मिलेगा, एग्जामिनर देगा कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हीट करके दे देगा, या आपको देगा कंसेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड दे देगा और हीट कर देगा। कई बार गंदा सा पेपर अगर उसको बनाना हुआ तो वो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट दे देता है और उसको हीट कर देता है। तो इन तीनों के केस में कौन सा इवन मैकेनिज्म होगा? कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस। ठीक है, अगर E2 करा रहे हो, वैसे तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फॉलोज इवन मैकेनिज्म, तो ऑब्वियसली बात है टर्शरी वाले का रेट ज्यादा होगा, टर्शरी अल्कोहल का, क्योंकि वहां पे टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, देन सेकेंडरी देन प्राइम। ठीक है, E2 मैकेनिज्म की बात करो तो E2 में आप लोगों को पता है स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, लेकिन मेरा बेटा अब यहाँ पे एल्कोहल में आप बेस नहीं ले सकते हो,
आपको कोई एसिड ही लेना, मतलब कोई ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा ना जिससे वॉटर बन के निकल जाए। तो यहाँ पे कौन कौन से रिएजेंट होते हैं लिख लो, एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कई बार मिलता है आप लोगों को, एक बार आपको मिलता है P2O5 और एक बार मिलता है थोरियम ऑक्साइड। एक्चुअली में ना ये क्या होते हैं, अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, ये अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं जो OH को वाटर में बदल के निकाल देते हैं। इस केस में आपकी होफमैन एल्कीन बनती है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आया हुआ, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास आ जाए चार मॉलिक्यूल दे देंगे और पूछेंगे बताओ किसमें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फास्ट होगा, तो इन दैट केस यू विल कंसिडर द कार्बोकैटायन वाला मैकेनिज्म जिसमें टर्शरी बन रहा है या कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कुछ बन रहा है, तो उसका रेट फास्ट हो जाएगा दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक बात है क्या? यस मैम। ये रिएजेंट मैंने इसलिए लिखवा दिए ताकि आपके थोड़े से ध्यान में रहे, ठीक है। ये वही रिएजेंट है जो मैंने, याद करो अभी क्लास के स्टार्टिंग में आते वो इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिया था, उसमें था ये। ये आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, जो मैंने आपको E1 E2 पढ़ाया था हेलो एल्केन्स में, उसमें मैंने बेस बताया था, याद करो एल्कोहलिक KOH बताया था, सोडियम इथोक्साइड बताया था, टर्शरी ब्यूटोक्साइड बताया था, वो बेस थे। वो क्या कर रहे थे, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करके एल्कीन बना रहे थे। यहाँ पे अपने को क्या करना है, एल्कोहल को, एल्कोहल में से OH को पानी बन के निकाल के एल्कीन बनाना है। देयर इज अ डिफरेंस ना, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखोगे। एक मैकेनिज्म एक मैं बता भी देती हूँ होता क्या है यहाँ पे। अगर मान लो मेरे पास ये है देखो, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लेट से कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या होता है मेरा बेटा, सबसे पहला स्टेप होता है अपना प्रोटोनेशन। यहाँ पे एसिड है, सबसे पहले क्या होता है प्रोटोनेशन, देखो हाँ के ना, करिए ये चीजें। सेकंड स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। कैसे बनाओगे, स्लोवेस्ट स्टेप होता है, ये बन जाएगा देखो। Yes. और फिर उसके बाद क्या आता है, स्टेप थ्री में क्या बनता है, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है, और वो तुम लोगों को पता ही है, बहुत बार करवा चुकी हूँ तभी मैं थोड़ा सा फास्ट करवा रही हूँ। तो इस तरीके से एल्कीन बनती है। तो यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, यही होगा, ठीक है। तो इसीलिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में आपको ध्यान रखना है कौन से मैकेनिज्म से चलोगे, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से चलोगे। अगर इनमें से कोई रिएजेंट दे रखा है तो फिर वहां पे आप E2 सोचोगे, अगर इनमें से कुछ दे रखा है तो E1 फॉलो करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? सोचो, सोच लो, सोच लिया, एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। इसमें मैंने डाला है H3PO4 और इसको हीट कर दिया, मुझे प्रोडक्ट बनाओ क्या बनेगा। सेकंड क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को, इसमें भी मैंने सेम डाला है, हीट कर दिया, आपको प्रोडक्ट बताना है। हमें वाली पिछले वाली स्लाइड दिखा देना मैम। हाँ हो गया। यस मैम। चलो ये दोनों मेरे को प्रोडक्ट बना के दिखाओ आप सारे। ट्राई करो, तुम्हें आता है बच्चों। तुम लोग ना अगर नहीं बता पा रहे हो तो अपने आप से तुम थोड़ा सवाल जवाब करते हो क्या घर में बैठ के, कि हम कितना पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री। तुमने केमिस्ट्री को बिल्कुल ही ऐसे कर रखा है, इग्नोर मार रखा है भाई साहब, सीरियसली बता रही हूँ मैं तुम।
बिल्कुल ऑर्गेनिक को हल्के में ले लिया। कितनी बार करा चुकी हूँ ये रिएक्शन मैंने, पता नहीं कितनी बार, कम से कम चौथी पांचवी बार क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ मैं। जब चार पांच बच्चे जो हैंड रेस कर रहे हैं वो बता पा रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं बता पा रहे? मैं उनको कोई स्पेशल क्लासेस देने जाती हूँ क्या उनके घर पे? हैं मैम आपकी वीडियो शो नहीं हो रही? नहीं हो रही है। यस मैम। अरे रे कब, अरे कैमरा बंद है भाई, कब से बंद है? मैम ऑलमोस्ट स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग के थोड़े बाद से। लोग अब नोटिस कर रहे हो? नहीं मैम, मेरे को लगा मेरा इंटरनेट इशू है। अच्छा ठीक है, बता दिया करो। हाँ एक्चुअली मैं जब पानी पीने के लिए कुछ वो उठाती हूँ ना, तो मैं बंद कर देती हूँ कैमरा, तो शायद वो बंद ही रह गया होगा। ओके तो कौन बताएगा? बताओ भाई, कोई और बताना चाहेगा? आयुष, हुस्नवाज, शिखा, अभिषेक, बताना कैसे किया, जल्दी बताओ। मैम CH2 पे मैम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर उसमें रीअरेंजमेंट होगी, तो मैम CH2 ये बना दूं क्या? एक सेकेंड, मैंने अल्कोहल बना दिया, आई एम सो सॉरी, एल्कीन बना दी थी। यस मैम। तभी अभिषेक चुप हो गया। मैम ये क्या हो गया? ठीक है तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाया, ठीक है, और यहाँ से क्या किया, फिर मिथाइल शिफ्ट कराया। यस मैम। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH2CH3, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है तो अब तुम्हारे पास क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। हालांकि ये भी ऑप्शन है, बट ये वाली निकलेगी, तो फाइनली जो तुम्हें मिलेगा वो मिल जाएगा CH3CCH3 डबल बोन CHCH3। ठीक है, दिस इज मोर स्टेबल एंड मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगेन सेकेंड क्वेश्चन में कैसे करना है? मुस्कान कोई बताओ मुझे। मैम इसमें कार्बोकेटायन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट होगी, और फिर एल्कीन मतलब बेंजीन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करा के यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा विच इज मोर स्टेबल, तो यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी, तो मैं डायरेक्ट बना देती हूँ। ठीक है क्या, 1-methylcyclohexene बन गया। ठीक है ठीक है, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखो नीट में बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। जब तुम अपने प्रीवियस ईयर उठाओगे ना, तो तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे। एंड असाइनमेंट की टेंशन, मतलब अभी थोड़ा सा मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए थोड़ा मेरा भी स्लो चल रहा है। बट हाँ एक और असाइनमेंट आज तुम्हें मिलेगा, वो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, तो मिलते रहेंगे असाइनमेंट। इसके भी दूंगी मैं कम से कम 5-6, तो इसके भी असाइनमेंट तुम लोगों को मिलेंगे। तो इसको करते जाना, मिलते जाए करते जाना, टाइम लगते ही करते जाना, रखना मत, क्योंकि इस चैप्टर से ना, इस चैप्टर से नंबर ले पाना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू हेलो एल्केन, समझ रहे हो? क्योंकि ना अल्कोहल फिनोल में ना सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्टेड मतलब समझते हो तुम लोग, मतलब पता रहता है कि ये आने वाला है, समझ रहे हो? तो ऐसे सारे क्वेश्चन तुम्हें क्लास में और असाइनमेंट में करवा दूंगी। अभी तो तुम्हारा आगे क्रैश कोर्स भी चालू होगा, बट इसमें से ये एडवांटेज है कि फिक्स रहता है कि हाँ यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या तो नेम रिएक्शन आती है इसमें से, या रिएजेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। मतलब अब मैं तुम लोगों को क्या बताने वाली हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताने वाली हूँ। अगर किसी ने क्लास लीव कर दी, 4 नंबर तुम्हारे नीट 2025 से जा चुके हैं, फिर पहले बता दे रही हूँ, अगर किसी ने क्लास लीव कर दी, क्योंकि जो अब मैं करवाने वाली हूँ आखिरी के 12 या 15 मिनट लूंगी मैं, और उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे नीट में बनने वाला है, तो प्लीज दिमाग खोल के, कान खोल के, आंखें खोल के बैठ जाओ यहाँ पे। ठीक है, याद करो मैंने कल की क्लास में रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाए थे, NaBH4 और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ऑर्गेनिक में कोई कमी नहीं है, हजारों रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, हजारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन अपने को नहीं पढ़ने हैं, जो अपने सिलेबस में बस वही पढ़ने हैं। ठीक है, हालांकि और भी आएंगे रिड्यूसिंग एजेंट टाइम के साथ, चैप्टर के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे,
तो यहाँ पे क्या होता है मेरा बेटा, अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, और अगर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया मेरा बेटा तो वो किसमें चेंज होगा, एसिड में होगा। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन होके वो किसमें चेंज होगा, कीटोन में चेंज होगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो नहीं चेंज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है देखना एक बार, अगर मैं मान लो सिंपल आपके पास ये ले लूं प्राइमरी अल्कोहल, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराती हूँ, इधर देखो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, देखो एक बार, अगर मैं कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेती हूँ तो वो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएगा। गेटिंग माई पॉइंट, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। ध्यान रखना कार्बन चेंज नहीं होंगे, दो कार्बन है तो दो ही रहेंगे, तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि हाइड्रोजन रिमूव हो गए यहाँ से। अगर आप मान लो फर्दर ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। जब तक कार्बन के साथ एच है तो ऑक्सीडेशन होगा। अगर मान लो मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लेती हूँ मेरा बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल ले लेती हूँ, जब उसका ऑक्सीडेशन कराऊंगी तो देखना कार्बन के साथ एच है ना, तो ऑक्सीडेशन होगा। मैकेनिज्म तुम्हें नहीं करना है, मैं फिर बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हें 10-12 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाऊंगी, बताऊंगी, हर कोई अलग तरीके से रिएक्ट करता है, बट प्रोडक्ट ये मिलता है। तो 12 मैकेनिज्म करोगे क्या, करने ही नहीं है, क्यों करने है, सिलेबस में नहीं है क्या, आगे फर्दर होगा क्या, ऑक्सीडेशन नहीं होगा बिकॉज कार्बन के साथ एच नहीं है तो आगे नो रिएक्शन। ये मैं बात कर रही हूँ रूम टेम्परेचर पे, अगर तुम ड्रास्टिक कंडीशन प्रोवाइड कर दोगे तो भैया कुछ भी हो सकता है जिंदगी में, फिर समझ रहे हो मेरी बात। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड, फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन, फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो नो रिएक्शन। अब ये बात आती है, मान लो तुम्हारा मन करे कि मैम मुझे तो बस प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड पे जाना है, एसिड पे नहीं जाना, तो क्या करें, तो क्या करोगे तुम, कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो जो ज्यादा वो ना हो, ज्यादा स्ट्रोंग ना हो, माइल्ड ले लो तो वो यहीं तक रुक जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, अगर तुम स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लोगे तो भाई साहब वो प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करके छोड़ेगा। जैसे कि इधर देखो, अगर मान लो प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट होता है, ध्यान से देखना इधर, एल्डिहाइड में, तो ये काम कौन करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे, कौन करेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेंगे। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में चेंज होगा तो ये काम कौन करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रोंग भी कर देगा हालांकि ये वाला काम। लेकिन मैम ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन से ये तो बता दो हमें, तो आर यू रेडी कि कौन कौन से हैं, आ जाओ, सबको सुनाई दे रहा मैं क्या बोल रही हूँ। यस मैम। यस मैम। तो सबसे पहले है तुम्हारा, लिखो पीसीसी, तुम्हारे लिए नई चीज है, टाइम लेगा, टाइम लेगा, तो इसीलिए रिवाइज करते रहो ऑर्गेनिक को, इफ यू वांट टू एक्सेल इन ऑर्गेनिक, मैं हमेशा चिल्लाती रहती हूँ। पीसीसी क्या होता है मेरा बेटा, पीसीसी होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। मैं यहाँ पे वो रिएजेंट्स बता रही हूँ जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। Yes, तो सबसे पहले है अपना पीसीसी। एग्जामिनर आपको ये नहीं लिख के देगा कि भैया पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, वो सीधा लिख के देगा पीसीसी क्लोरोक्रोमेट। इसका स्ट्रक्चर वैसे तो कोई जरूरत नहीं है पता होने की, बट मैं बता देती हूँ। पिरिडीनियम क्या होता है, पिरिडीन ये होता है, पिरिडीनियम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्रोमेट क्या होता था याद करो, CrO4 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरोक्रोमेट बन जाएगा, तो बेसिकली एक ऑक्सीजन को हटा के Cl नेगेटिव, इस तरीके से देख रहे हो, इस तरीके से रहता है। यस मैम। उसके बाद सेकंड आता है मेरा बेटा तुम लोगों के पास पीडीसी, इसी का ही भाई होता है, उसका नाम क्या होता है, पिरिडीनियम डाई क्रोमेट। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपको इनके स्ट्रक्चर नहीं पता इट्स ओके, तुमसे कोई नहीं पूछेगा। तो पिरिडीनियम तो ये हो जाएगा, डाइक्रोमेट क्या होता है, Cr2O7 नेगेटिव, ठीक है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए मैंने ये ले लिया। बोलो हाँ के ना। यस।
ठीक है चलो। उसके अलावा एक और रिएजेंट होता है कोलिन्स रिएजेंट। क्या होता है कोलिन्स रिएजेंट? ये क्या होता है? क्रोमिक ऑक्साइड होता है, कई बार वो पिरिडीन की प्रेजेंस में दे देते हैं और कई बार वो यहाँ पे CH2Cl2 पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डाइक्लोरोमीथेन ले लेते हैं। समझ रहे हो? ये रिएजेंट्स जो मैं लिखवा रही हूँ वो क्या करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में करते हैं। एक और रिएजेंट है जोन्स रिएजेंट, ये भी क्या करता है? वही काम करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब तुम क्रोमियम CrO3 लोगे एसीटोन की प्रेजेंस में तो वो ये काम करेगा। अगर तुम मेरे से इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पूछोगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तो ये है पीसीसी। सबसे ज्यादा नीट में सवाल पीसीसी पे आते हैं, पीडीसी कॉलिंस जोन्स पे आ जाता है कभी कभी, बट पीडीसी कॉलिंस पे बहुत ही रेयर क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपको ये चारों याद होने चाहिए कि ये चारों क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जल्दी चार्ट बॉक्स में लिख दो, फटाफट फटाफट से चार्ट बॉक्स में लिखो कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पीसीसी, पीडीसी, कॉलिंस, जोन्स। आपसे कोई स्ट्रक्चर कोई फुल फॉर्म नहीं बनवाएगा, वो डायरेक्ट लिख के देगा भाई साहब पीसीसी, पीसीसी, पीडीसी, कॉलिंस, जोन्स। जल्दी लिखो, यहाँ पे मुझे सिर्फ तनिष्का की चैट दिखाई दे रही है। टर्शरी अल्कोहल की कोई रिएक्शन नहीं होगी, टर्शरी अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर इनमें से कोई भी डालोगे टर्शरी अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं होगी। बेटा CrO3 है ना, Cr2O3 नहीं मेरा बेटा, ठीक है। अब इसके अलावा एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर भी होता है। अगर आप मान लो प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो, इधर देखो प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो, मैं लिख देती हूँ एक एग्जाम्पल लेके, तो ये भी क्या करता है, ये भी क्या करता है? इसको हीट करोगे एल्डिहाइड में चेंज करेगा। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हो तो किसमें चेंज करेगा बोलो? कीटोन में चेंज करेगा, कीटोन में चेंज करेगा। बैठे रहो क्योंकि क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई थी, मैं डाउट ले रही थी, तो आई विल टेक 5 मिनट्स एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर आप टर्शरी अल्कोहल लोगे तो यहाँ पे ये नहीं बोलोगे कि मैम नो रिएक्शन, यहाँ पे ध्यान रखना एल्कीन बन जाती है, तभी मैंने ये अलग से लिखवाया रिएजेंट। और दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएजेंट, वेरी वेरी, कितना भी वेरी लगा लो कम है। दिस इज ऑल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर पीसीसी, इधर आओ, पीसीसी, पीडीसी, कॉलिंस, जोन्स में से लोगे तो वो टर्शरी अल्कोहल को कुछ भी नहीं कहेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे, दूर से ही राम राम करके बाहर भाग जाएंगे। लेकिन अगर कॉपर आ गया तो वो टर्शरी अल्कोहल को एल्कीन में चेंज कर देगा, हालांकि ऑक्सीडेशन तो नहीं हो रहा है, एल्कीन बना दे रहा है। यहाँ पे मैकेनिज्म करने हैं मैम बड़े वाला? नो, नहीं करने, मैंने कभी नहीं कराए और ना ही तुम्हें करने हैं, सिलेबस में ही नहीं है तो क्यों करवाने। क्या ये क्लियर हो गए तुम्हें पांच माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग? यस मैम। ठीक है, अब कहानी शुरू होती है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैम ये बताओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं? चलो आ जाओ, ये तुमने सुने भी होंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, याद करो DNF फ्लो। तो अगर एग्जामिनर दे देता है तुम्हें एसिडिफाइड KMnO4 या ऐसे करके दे देता है, या तुम्हें ये लिख के दे देता है बेसिक मीडियम में और हीट करके दे देता है, या तुम्हें लिख के दे देता है हॉट KMnO4, तो ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं, क्या काम करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल को, हाँ लिख रही हूँ मेरा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल को किसमें चेंज करते हैं? एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें करते हैं? कीटोन में। और टर्शरी अल्कोहल को कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में एक ऐसी रिएक्शन आएगी, ठीक है, इवन इसी चैप्टर में आएगी, करवाऊंगी मैं आपको, जहां पे टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में, रूम टेम्परेचर पे नहीं, ठीक है। उसके अलावा और कौन से रिएजेंट हो सकते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है, ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके अलावा जोन्स रिएजेंट, मैम ये तो अभी आपने माइल्ड में लिखवाया था, हाँ लिखवाया था, लेकिन अगर मान लो तुम CrO3 के साथ अब एसिडिक कंडीशन ले लेते हो, सोलवेंट चेंज कर देते हो, नाउ दिस बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भैया एल्कोहल को एसिड बना के छोड़ेगा,
समझ रहे हो मेरी बात। और इसके अलावा तुम क्रोमिक एसिड भी ले सकते हो, H2CrO4 इससे ही मिलके बना रहता है। अगर ये भी लिखा मिल जाए तो समझ जाना प्राइमरी अल्कोहल से एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करने हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखने हैं। इवन जो KMnO4 है वो तो डबल बॉन्ड के साथ भी रिएक्ट करता है, और अगर तुमने हाइड्रोकार्बन में ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन पढ़ी है तो वहां पे आता है कि KMnO4 अगर आप लेते हो तो वो भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करा के एक डबल बॉन्ड O यहाँ लगा देता है, एक यहाँ लगा देता है। पढ़ा हुआ है तो मैं बोल रू, नहीं पढ़ा हुआ तो इट्स ओके, पढ़ना तो है ही एक दिन, अभी नहीं पढ़ रखा तो कोई बात नहीं। क्या ये क्लियर हो गया, जल्दी बताइए। यस मैम, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास आता है MnO2। MnO2 क्या होता है, तुम्हारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बहुत अच्छा है, हालांकि नीट में सवाल नहीं आ रहा इससे, बट मैं चाहती हूँ आए। ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है सिर्फ ओनली, लिखो ओनली, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल बस, ठीक है। और ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करता है, सेकेंडरी को कैटोन में। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है, तो क्या करेगा ये CH2CH CHO, बोलो क्या कहते हो। अगर मान लो तुम्हारे पास बेंजाइल अल्कोहल है तो इसको किस में चेंज कर देगा, अगर इसमें MnO2 हुआ, बोलो बोलो बोलो। अच्छा तुम लोग ये बताओ, नलायक हो, मैंने तुम्हें एलाइलिक बेंजाइलिक कितनी बार बताया था, तुम टेस्ट में फिर गलत करके आ गए थे वो क्वेश्चन, मैं देख रही थी डाउट सॉल्विंग ग्रुप में, तुम लोग बेंजाइलिक को एलाइलिक लगा के आ गए थे। क्या फायदा इतना मुझे पढ़ाने का भाई, फिर मैम को डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पर OH लगाता ना, तो रेजोनेंस तो उसमें भी होती। अरे आप, वो तो ठीक बात है, अरे मैंने ये एग्जांपल नहीं बताया था क्या तुम लोगों को, डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन, तुम पता नहीं रिएक्शन में कहाँ घूम जाते हो सारे के सारे। डबल बॉन्ड के साथ वाला कार्बन sp3 होना चाहिए, अगर उस वो वाला पोजीशन एलाइलिक कार्बन वाली होती है भाई, ठीक है। yes, अब कभी ना भूलना जिंदगी में, बता दे रही हूँ, मेरे को लगा ये क्या चल रहा है भाई, ठीक है, हो गया, कर लोगे, बोलो हाँ के ना। yes, ma'am. चलो क्वेश्चन करें आउट, एक दो क्वेश्चन कराती हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है, जल्दी से क्वेश्चन करो, हैंड रेस करिए सारे बच्चे, चलो अटैक से जल्दी जल्दी, 10 सेकंड्स का टाइम है। यहाँ पे एसिडिक कंडीशन थी, शाबाश, रेज योर हैंड, बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया। एल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करना है, सबसे बेस्ट रिएजेंट कौन सा है, वेरी गुड तनिष्का, अंशिका, मुस्कान, डिंपल, कोमल, और कौन सा है जल्दी बताओ। PCC जिंदाबाद। ये बाकी क्या करेंगे तीनों, ये बाकी एसिड में चेंज कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन कीजिए और ये वाला कीजिए, KMnO4 या तो आप ले लो बेसिक मीडियम में या एसिडिक मीडियम में, एक ही बात है, उन्होंने कहा दोनों में से कोई भी ले सकते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो या कंसंट्रेटेड, हाँ वहां पे एक और आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड कर सकते हो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और हीट कर दिया, सॉरी। हाँ तो क्या होगा, सब में बताओ क्या बनेगा ऊपर वाले में, ठीक है, CH3 CH2, ये CH2OH किस में चेंज हो जाएगा, CHO, फिर वो फर्दर किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। यहाँ पे भी क्या होगा, नीचे में भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, क्लियर है। यस मैम। ओके, नेक्स्ट वाले में क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या बनेगा, शाबाश, ऐसे आते हैं नीट में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, क्लियर है। अच्छा अभिषेक आ गया, क्या लेफ्ट हो गया था। अब ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना, क्योंकि मैं ये बहुत ही बोलते हैं ना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है,
क्योंकि इसमें ना तुम्हारा दिमाग लगेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। यहाँ ये वाले दो रिएजेंट में तुम फंसोगे जहां तक मुझे लग रहा है, 90% ऑफ द बच्चे, ठीक है। घर से करना, आते ही लूंगी ये भी घर से करना, मजे आएंगे तुम लोगों को करने में। और ये तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है, ए से शुरू होना है, कहाँ पे खत्म करना है, एल पे, इधर आओ एल पे, घबराना नहीं है, इजी है। तो इसको अपन ग्रुप नहीं डरना, इसको अपन ना ग्रुप में ही वो करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो ना कितना इजी है, बेंजीन में एल्काइलेशन करा रखी है, टोलवीन बन जाएगा, एनबीएस दे रखा है, फिर एक्वस क्यों है, तुम देखो ना कितने इजी है, पीसीसी दे रखा है, फिर एनओ टू प्लस बीएफ फोर नेगेटिव, यहाँ पे आपका एनओ टू प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। तो ट्राई करना, अपन ग्रुप में सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, अच्छे से पढ़ाई करो। कल तो मैं नहीं लूंगी क्लास आपकी, कल रात सर क्लास लेंगे एंड